कि 10 साल पहले छत्तीसगढ़ के प्रति न्याय नहीं होता था। छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे। सुनहरा लग रहा है एक एक पल, कई सदियों के बाद तब्दीली हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 225। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जहां पर 32% पॉपुलेशन ट्राइबल है, 12% पॉपुलेशन कास्ट की है और 42% जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, वहां पर कितनी ट्रेनें पिछले 3 सालों में निरस्त की गई और साथ में वहां से जो रेवेन्यू मिलती है छत्तीसगढ़ के जोन से, वो रेवेन्यू देश में कौन से स्तर पर है और भविष्य में माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के दुरू क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है वहां पर रेलवे बिछाने के लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए क्या योजना है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, एक आदिवासी बहुल राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे। आज फंड्स भी दिए जा रहे हैं, काम भी हो रहा है और जो माननीय सांसद महोदय ने जो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय रखा है उसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन्स थी 56 मेल एक्सप्रेस और 121 पैसेंजर ट्रेन्स होती थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है और 128 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। लेकिन इतने पे ही रुकने की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में आज करीब करीब 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। 8 नए लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि 1358 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बन रही है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 1373 किलोमीटर नए ट्रैक बिछेंगे, उस पर 16,604 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई जगह थर्ड लाइन, कई जगह फोर्थ लाइन। माननीय अध्यक्ष जी, हम छत्तीसगढ़ की पोजीशन को देखें तो कोलकाता से मुंबई के जो ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से जाने वाली सारी की सारी ट्रेन्स छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए जो 10 साल पहले मात्र 311 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6,922 करोड़ यानी 22 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज दे रहे हैं और रिजल्ट भी उसका दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले मात्र 6.5 किलोमीटर साल में, पूरे साल में, छत्तीसगढ़ जैसे महत्व, जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में मात्र 6.5 किलोमीटर एक साल में काम होता था। आज 100 किलोमीटर पर ईयर यानी पहले से 15 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। एक मैं माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये भी रखना चाहूँगा विषय कि रेलवे में जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो रेलवे के ट्रैक को, नए ट्रैक को एग्जिस्टिंग नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं तब ज़रूर गाड़ियाँ कैंसिलेशन की तकलीफ आती है। मैं उस तकलीफ के प्रति संवेदनशील हूँ और इसीलिए एक नया मेथड भी काम का स्टार्ट हुआ है। अभी पिछले 7-8 महीनों में इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत अभ्यास करके एक नया मेथड भी निकाला है जिससे कि मैक्सिमम काम, जिसको NI वर्किंग कहते हैं, नॉन इंटरलॉक वर्किंग कहते हैं, उससे पहले पहले हो जाए ताकि मिनिमम डिसरप्शन हो कनेक्शन के दौरान। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिलासपुर रेलवे जोन है वो जोन पूरे देश में जितनी कमाई होती है उसका कितना हिस्सा देता है और उस हिस्से के रूप में मेरा आपसे एक बात का आग्रह भी है कि वहाँ पर ट्रेनें लगातार कैंसिल होने के कारण और वहाँ पर सड़कों की स्थिति भी नहीं होने के कारण वहाँ के यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, तो भविष्य में क्या आप ये निर्देश करेंगे कि बहुत अति आवश्यक होने पर ही ट्रेनें कैंसिल हों, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो। मैं आपकी जानकारी में कि 200 से ज़्यादा ट्रेन
पिछले 3 सालों में निरस्त की गई हैं और बार बार उसको चालू किया गया, उसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। वो आपके काम के कारण हो रही है, ये भी मुझे जानकारी है, आपके काम के कारण हो रही है, डबलिंग हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, नई रेल लाइन बिछ रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, बिलासपुर का रेलवे जोन देश में कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा देता है और क्या उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में रेलवे में जो खर्च किया जाना चाहिए वो खर्च किया जा रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये बात सही है कि 10 साल पहले छत्तीसगढ़ के प्रति न्याय नहीं होता था, नहीं होता था न्याय। आज लेकिन न्याय हो रहा है, आज न्याय हो रहा है, आज सफिशियंट फंड्स एलोकेट हो रहे हैं और काम भी बढ़ रहा है। और जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, काम जिस तेज़ी से हो रहा है उसके कारण ट्रैफिक में, पैसेंजर गाड़ियों की कैंसिलेशन में दिक्कत भी हुई और इसके लिए मैं संवेदनशील भी हूँ और आज प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से जितने से ज़्यादा काम, मान लीजिए NI करने में यानी कनेक्शन करने में 4 दिन लगते थे, तो अब प्रयास कर रहे हैं कि वो 3 ही दिन लगे। इस तरह का प्रयास बहुत बहुत चल रहा है और अध्यक्ष जी, जितनी तेज़ी से अभी छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है, कैपेसिटी इतनी अच्छी क्रिएट हो जाएगी कि कई सारी जो समस्याएं कैपेसिटी की कमी के कारण थी, वो कैपेसिटी की कमी के कारण आने वाली समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। कि 10 साल पहले छत्तीसगढ़ के प्रति न्याय नहीं होता था, छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे। सुनहरा लग रहा है एक एक पल, कई सदियों के बाद तब्दीली हुई है।